तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ FIA कोई शहबाज शरीफ को सजा दिलाने में इंटरेस्टेड होगी इस वक्त? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जो इन्होंने जो सेंट्रल जज है एजाज हसन अवान साहब, इन्होंने कहा जी मैं 14 को हर हालत में फर्द जुर्म आयद करूंगा और ये FIA भी अपोज नहीं कर रही इसको, तो ये मुझे बताइए फर्द जुर्म आयद होगी या जज बदल जाएगा? माजी में हमने देखा है ऐसे वाकयात हुए। आपको अंदाजा नहीं है, एक हमारे इस वक्त जो है ना वो वजीर दाखला राणा सनाउल्ला, उन पे मनशियात का केस है 28 सालों से। उन्होंने देखे मैनेज कैसे किया, उन्होंने वकील अच्छे रखे हुए, उनके जज बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उन्होंने फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। आज वजारत दाखला में बैठ गए हैं, वजारत दाखला के नीचे FIA है, FIA का DG बहुत ताल्लुक वाला, मैं वक्त से पहले बताता हूँ, मैं तो जानता हूँ सारी कई चीजों को यहाँ बैठ के। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ FIA कोई शहबाज शरीफ को सजा दिलाने में इंटरेस्टेड होगी इस वक्त? इसको तो FIA का मुलाजम है, FIA तो मौजूदा हुकूमत की मुलाजम है इस वक्त, वो तो फैसिलिटेट करेंगे, वो तो चाहेंगे ये बरी हो जाए और ये उसके लिए हालात पैदा किए जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा, आपको यहाँ ये तो सिर्फ हमें बताया जा रहा ना कि फर्द जुर्म के हवाले से कितनी दफा ये इस केसों में पेश हुए हैं, नैब के केसों में किस तरह पेश हुए हैं, एग्जम्पशन उनकी कितनी है, डे टू डे ट्रायल चल रही है, एक वजीर आजम जो है उसके ऊपर नैब में चल रही है और FIA में चल रही है। इतने मुकदमा देख के तो वैसे डूबने का मुकाम था, वजारते आला वजारते उज़्मा लेने के बजाय घर बैठते। और यहाँ अब क्या होगा, अब ये ट्रायल नहीं चलेगा। मैं एक खत लिख रहा हूँ और मैं सारी तफसीलात मांग रहा हूँ इनकी और मैं कोर्ट में जा रहा हूँ कि इन सबको ट्रायल फेस करें, इन्हें कहें आके डे टू डे ट्रायल चलाएं और ट्रायल खत्म करें। हुकूमत चलाते रहे अपनी जगह। अच्छा, ये जो भट्टी साहब का, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, अजहर सदीक साहब, भट्टी साहब का जो फैसला है गवर्नर पंजाब के हवाले से, सदर पाकिस्तान के हवाले से, उसको भी आप चैलेंज कर दिया, आपने चैलेंज कर रहे हैं? अच्छा देखिए, यहाँ फरीक बनने की दरखास्त दी थी 17 MPS की तरफ से, उस पर एतराज लगा, लार्जर बैंक का कहा, कहते हैं मेंटेनेबल नहीं है, उसमें इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा रही है दोनों फैसलों में, एक 20 अप्रैल के फैसले में, 22 अप्रैल के फैसले में, और जो आया था 36 घंटे में, और एक ये 27 अप्रैल के फैसले में जो 24 घंटे में आया था। तो हमने कोशिश की थी कि आज हम दरखास्तें दायर कर सके, लेकिन वो दफ्तर बंद था जी, हमारी तो वो एक्सेस नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं ना, हम कोई बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं कि जो हमारे लिए 12 बजे कमाल है। आप दफ्तर बंद कर, यहाँ पे तो छुट्टी वाले दिन दफ्तर खुल जाते हैं हजर सदीक साहब, रात को 12 बजे लाइट ना भी हो तो लालटेन लगा कर अदालतें लग जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।